वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। ऐसे लोग जिन्होंने बताया कि वो भविष्य देख चुके हैं। दोस्तों, अभी तक भविष्य में जाने की बात को लेकर बहस चलती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो भविष्य से वापस आए हैं, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया भी देख चुके हैं। इस बारे में जो सामान्य बहस का मुद्दा है वो ये है कि वो लोग अपनी घटना को अतीत से भी जोड़ते हैं। समय में भविष्य में यात्रा करने वाले दावे कई बार वास्तविक और विश्वसनीय भी लगने लगते हैं, लेकिन भविष्य से हम सब अनजान हैं। कुछ लोग जो भविष्य में होकर आ चुके हैं वो अपनी कहानी को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिखा चुके हैं, पर सवाल यह है कि क्या उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे लोगों की कहानियां बताने जा रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो भविष्य की समय यात्रा करके वापस आए हैं। नंबर वन, जॉन टिटोर। 2 नवंबर 2000 को जॉन टिटोर ने इंटरनेट पर एक मैसेज पोस्ट किया कि वो वर्ष 2036 में से वापस आए हैं। टिटोर ने यह दावा किया कि वो पहले 1975 में गए थे, जहां उन्होंने IBM 5100 कंप्यूटर लिया, और फिर वर्ष 2000 में एक बार निजी कार्य के लिए रुके थे। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई जो उनके अनुसार टाइम मशीन की तस्वीर थी, जिसे जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया गया था। टिटोर ने यह भी दावा किया कि 2004 में अमेरिका में एक सिविल वॉर छिड़ेगी और फिर अमेरिका रूस के साथ परमाणु युद्ध में भिड़ेगा, जिसमें लाखों लोगों की मौत होगी। उन्होंने बताया कि वो सेना के एक टुकड़े का हिस्सा थे जो अतीत में कुछ महत्वपूर्ण हथियारों को लेने गए थे जिससे मानवता को बचाया जा सके। उन्हें IBM 5100 लाने का काम दिया गया था, जिसके द्वारा 2036 में एक मशीन को डिबग किया जाना था। सिविल वॉर की चेतावनी के अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 2004 में कोई ओलंपिक नहीं होगा और पश्चिमी देश 2005 में विनाश के कगार पर होंगे। इसके अलावा गाय के पागल होने से जुड़ी बीमारी फैलेगी और कोई भी जो राष्ट्रपति होगा वो अब्राहम लिंकन का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। टिटोर ने अपने साथ कुछ लोगों को ले जाने की बात करी, पर उनकी भविष्यवाणी की तरह ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि मार्च 2001 में वह अचानक से गायब हो गए थे। नंबर टू, एंड्रयू बेसियागो। एंड्रयू पेशे से एक वकील हैं और समय में यात्रा करने का वो भी दावा करते हैं। वो केवल भविष्य ही नहीं बल्कि उनके अनुसार वो अतीत और चंद्रमा का सफर भी तय कर चुके हैं। उनके अनुसार 1981 में वो नवयुवक बराक ओबामा और विलियम स्टिलिंग्स के साथ चांद पर गए थे, जहां वो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के उस प्रयास में शामिल थे जो टाइम मशीन बना रहे थे। उनके दावे के अनुसार उस प्रोजेक्ट जिसका नाम पेगासस था, वो 1968 से लेकर 1972 तक एक्टिव था और उससे टाइम मशीन का निर्माण हुआ था। उन्होंने कहा कि वो उस मशीन के द्वारा 1863 में गए थे, जब उन्होंने अब्राहम लिंकन का एक भाषण सुना था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सरकार इस मशीन का उपयोग ज्यादातर समय अतीत और भविष्य को कम करने के लिए, सैन्य शक्ति को लगाने के लिए करती थी। नंबर थ्री, ब्रैंड जॉनसन। 2017 में कैस्पर के पुलिस वालों को एक शराबी व्यक्ति से निपटने के लिए बुलाया गया जो सड़कों पर घूम रहा था। उस आदमी का नाम ब्रैंड जॉनसन था, जो ये दावा कर रहा था कि वो वर्ष 2048 से वापस आया है। उसने कहा कि वो 2017 में हम सबको एलियंस के हमले से आगाह करने आए थे, जो 2018 में होने वाला था। उन्होंने कहा कि असल में वो 2018 में आने वाले थे, पर वो एक साल पहले आ गए क्योंकि एलियंस ने उन्हें शराब पिला दी थी। उन्होंने यहां तक कि टाउन के प्रेसिडेंट से मिलने की भी मांग रखी थी ताकि वो उन्हें इस हमले से आगाह कर सकें। जॉनसन का ये बहाना मात्र शराब पीने की सजा से बचने का था और पुलिस अफसर इनके झांसे में नहीं आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर फोर, नोआ। नोआ ने यह दावा किया कि वो 2030 से आए हैं। उनके द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू हो चुकी थी, बिटकॉइन एक मान्य करेंसी बन चुकी थी, मौसम में बदलाव आ चुका था जिसके कारण नॉर्थ अमेरिका का मौसम गर्म हो चुका था और यूरोप का ठंडा। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक कार काफी विश्वसनीय हो चुकी थी, लोग कई बार चंद्रमा की यात्रा कर चुके थे और कैंसर का इलाज मिल चुका था। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी में सबसे अजीबोगरीब ये थी कि उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 का चुनाव जीतने के बाद अपना नाम बदलकर इलाना रेमिक के रख लेंगे। हालांकि नोआ के ये दावले खोखले ही लगे, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया। सबूत न देने के पीछे उन्होंने ये वजह बताई थी कि पैराडॉक्स की वजह से लोग उन पर विश्वास नहीं करते। नंबर फाइव, विलियम टेलर। विलियम टेलर ने यह दावा किया कि वो मौजूदा समय में वापस आने से पहले वर्ष 2005 से वर्ष 3000 तक गए और आखिर में वर्ष 8973 तक। उन्होंने ये दावा किया कि वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते थे और उन्हें टाइम ट्रैवल के अनुभव के लिए भविष्य में भेजा गया था
और एजेंसी इसके लिए 1981 से कार्य कर रही थी। उनके अनुसार वो सबसे पहले वर्ष 3000 में गए थे, जहां लोग जमीन पर चलने की जगह हवा में मशीनों के द्वारा उड़ते थे। उसके बाद वो वर्ष 8973 में गए, जहां मौत, बीमारी, जुर्म और युद्ध का कोई वजूद नहीं बचा था। सभी इंसानों का कद लंबा और शरीर मजबूत था, सिर और आंखें बड़ी थी। सब लोग रोबोट्स और साइबॉक्स के साथ बड़ी शांति से रहते थे। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि भविष्य में समय में यात्रा करना सामान्य हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी मुलाकात एक और समय में यात्रा करने वाले व्यक्ति से हुई थी, जो 2055 से आया था। नंबर 6, बेला। बेला एक अल्बेनियन महिला थी, जिनका यह दावा था कि वो सन 3800 का सफर करके लौटे हैं। अपने इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने एक सेल्फी पेश की। उनके अनुसार उन्होंने ये सेल्फी भविष्य में ली थी। बेला ने यह दावा किया कि वह भविष्य में बेलारूस के फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर कोज़लोव की मदद से गई थी। उन्होंने कहा कि समय में यात्रा करने का अनुभव बिल्कुल भी सुखद नहीं लगता, जैसा कि हम सोचते हैं। जब उन्होंने यात्रा की तो सब कुछ काला हो गया था, और जब भी वो भविष्य की यात्रा करती थी तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा दौड़ने लगती थी। उन्होंने बताया कि जहां भी उनकी नजर गई, उन्हें केवल रोबोट और मरे हुए लोग दिखाई दिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका भी सामना एक रोबोट से हुआ था। वो काफी बड़ा था और बोलने में और चेहरे के आकार बनाने में भी सक्षम था। उस रोबोट ने उनसे पूछा कि वो कहां से आई हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नंबर 7, अज्ञात आदमी, अनआइडेंटिफाइड मैन। एक अज्ञात आदमी जो साइबेरिया से था, उसने ये बताया कि वो सन 4040 की यात्रा करके वापस आया था। उसने ये दावा किया कि वो एक फिजिक्स लैब में काम करते थे, जहां उन्होंने एक अन्य वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बनाई थी। उसने उस मशीन का परीक्षण खुद पे किया और वो खुद सन 4040 में पहुंच गए थे, जब आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी और रोबोट दुनिया चला रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मानवता के विनाश की नींव तो 2048 में ही रखी जा चुकी थी, जब इंसानों ने दूसरी गैलेक्सी के एलियंस के साथ संपर्क किया था। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस की उम्र इंसानों के मुकाबले ज्यादा होती थी और वो औसतन 400 से 500 सालों तक जीते थे। एक लड़ाई के दौरान उनकी संख्या केवल 2 लाख के करीब बची थी और 2460 में वो धरती पर रहने लग गए थे। नंबर 8, हक्कान नॉकवेस्ट। हक्कान नॉकवेस्ट स्वीडन के रहने वाले थे और उन्होंने दावा किया था कि वो 2042 में भविष्य की यात्रा करके आ चुके हैं। बाकी यात्रियों की तरह हक्कान ने भविष्य में जाने के लिए किसी टाइम मशीन का उपयोग नहीं किया था, बल्कि वो एक एक्सीडेंट से भविष्य में पहुंच गए थे। हक्कान ने बताया कि 30 अगस्त 2006 को जब वो अपनी रसोई की लीक हो रही किचन सिंक को सही करने के लिए रसोई में गए, उन्हें लीकेज नहीं मिले। उसके बाद वो कैबिनेट में गए, जहां से वो 2042 में पहुंच गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अपने 72 वर्ष के रूप से भी मिले, जो उनके भविष्य का रूप था, और दोनों के एक जैसे टैटू बने हुए थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि 72 वर्ष वाला व्यक्ति वही है, उन्होंने उनसे कुछ सवाल भी पूछे, जिसका उन्हें सही जवाब भी मिला। अपने इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने इस मीटिंग का वीडियो भी बनाया था। नंबर 9, एंड्रू कार्लसन। 19 मार्च 2003 को याहू में एक खबर प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार एंड्रू को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। एंड्रू ने सफलतापूर्वक 126 हाई रिस्क स्टॉक्स की खरीदारी की, जिससे उनकी 800 की इन्वेस्टमेंट 2 सप्ताह में 350 मिलियन की हो गई थी, वो भी वित्तीय संकट के समय, जब बाकी निवेशकों के पैसे डूब रहे थे। एंड्रू ने किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग की बात को नकार दिया और कहा कि वो सन 2256 से वापस आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये स्टॉक्स 2003 में खरीदे थे। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि 2003 में स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई थी, तो केवल इसलिए वापस आए हैं कि क्या पता वो कुछ पैसे बना लें। नंबर 10, माइकल फिलिप्स। फिलिप्स के अनुसार वो 2070 से 2018 में वापस आए थे, वो भी एक लड़ाई को रोकने के लिए जो 2019 में होने थे। इस वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था और ये इतना भयावह होता कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध इसके आगे बच्चों का खेल लगता। फिलिप्स का मिशन था कि वो लड़ाई को शुरू होने से पहले ही रोक दें। युद्ध का कारण इस साल के अंत में सामने आता, जब नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर परमाणु बम लॉन्च करने का फैसला लेता। फिर अमेरिका उसका जवाब 2 बड़े मिसाइल से करता और धीरे धीरे सभी देश परमाणु बम की लड़ाई में शामिल हो जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।